हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ आप सबके लिए। एक सैंडविच लेके आई हूँ, स्पिनच और स्वीट कॉर्न सैंडविच। ये देखिए, पालक मैंने ले लिया है, ब्रेड ले लिया है। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है शर्मी ऑनेस्ट किचन। ये देखिए, अब चलते हैं बनाने के लिए। कैसे बनाना है ये स्पिनच, पालक और कॉर्न का सैंडविच। ये देखिए, मैंने अमूल का चीज़ लिया है, मुझे मोजरेला से यही ज़्यादा पसंद आता है। और ब्रेड मैंने सैंडविच ब्रेड जो बड़े वाले आते हैं वो लिया है, करीब 6 स्लाइस लिया है। और इधर मैंने पानी बॉईल के लिए चढ़ा दिया है, बिल्कुल शर्मी स्टाइल में बनेगा। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, आपने देखा होगा। और ये पालक है, मैं 3-4 6 पीस ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने पालक भी थोड़ा कम ही लिया है। और ये देखिए, पालक मेरा ब्लांच हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जो इसको भी थोड़ा सा मैं ब्लांच करूँगी। अब मैं पालक, देखिए मेरा ब्लांच हो गया था, थोड़ा सा उबल गया था। अब मैं इसको एकदम फाइन चॉप कर रही हूँ और मैं इसका जूस रखूँगी, इसका सारा निकालूँगी नहीं पानी, क्यों मुझे अभी आगे काम आएगा। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे शर्मी स्टाइल में बगैर वाइट सॉस का कैसे बनाना है स्पिनच। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मेयोनेज़ लिया है, ये मेरा बटर है, ये इधर चिली फ्लेक्स हैं, ये देखिए कॉर्न मैंने बॉयल कर लिया है, और ये ऑरिगेनो है। मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा टेस्ट देने वाली हूँ इसलिए मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है। ये आपके ऊपर है बिल्कुल, अगर आप पेपर डालना चाहते हैं तो पेपर डालिए, ऑरिगेनो डालना चाहते हैं तो ऑरिगेनो डालिए। ये देखिए, मैंने पहले बाउल में, मिक्सिंग बाउल में मैंने कॉर्न डाल दिया है। अब मैं इसमें पालक डाल रही हूँ, और मेरा पालक भी बहुत थोड़ा है क्योंकि मैंने थोड़ा ही बनाना था तो इसलिए। और ये देखिए, मैंने जो ग्रेट किया था चीज़, जो अमूल का चीज़ था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, ये मेरा वो है, मतलब सीजनिंग है ऑरिगेनो के साथ। और मैंने थोड़ा सॉल्ट कम ही यूज़ किया है। ये देखिए, मेरा मेयोनेज़ है, ये मैं मेयोनेज़ के साथ बना रही हूँ, बाकी सब हमेशा लोग बनाते हैं वाइट सॉस के साथ, तो मैं वाइट सॉस के साथ नहीं बना रही थी आज। आज मुझे ऐसे ही बनाना था, नो कुकिंग करना था। थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ एज अ टेस्ट। अभी चिली फ्लेक्स मैंने अभी तक डाला नहीं है क्योंकि अभी पता नहीं कोई हमारे घर में इसको मिर्च के साथ खाना पसंद करेंगे, ये ना पूछ के ही डालना पड़ेगा, तो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, थोड़ा सा मेरा ये थिक हुआ है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क डाला है, जो मैंने आपको नहीं दिखाया वीडियो में, शूट नहीं कर पाई, तो मिल्क मैंने डाला है थोड़ा सा इसको लिक्विड करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा स्प्रेड हो रहा है। और ये मैंने ब्रेड के ऊपर, मैंने ब्रेड के जो किनारा है उसको मैंने नहीं कट किया क्योंकि मेरे को ग्रिल में डालना था, इसलिए मैंने उसका किनारा नहीं निकाला। ये देखिए, एक में मैंने लगा दिया है, मैंने बहुत भर भर के नहीं लगाया है, मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का लगा हुआ अच्छा लगता है। देखिए, एक एक हमारी सैंडविच बन के तैयार हो गई है। अब हम सेकंड पे लगा रहे हैं इसका, जो हमने बनाया है वो उसका मिश्रण, पालक और कॉर्न का। ये देखिए, सेकंड भी हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ब्रेड का स्लाइस और चलते हैं ग्रिल की तरफ। तो बाकी भी मैं बनाती जाऊंगी ऐसी। और ये देखिए, सारा बना के मैंने पहले एक साथ रख लिया है और अभी हम चलेंगे ग्रिल की तरफ। तो ग्रिल को मेरे को, मुझे प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो लगा नहीं पाऊंगी मैं। अब मैं चलते हैं, देखते हैं इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ। अब ये देखिए, ग्रिलर मैंने लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा बटर का ब्रशिंग करूँगी, आमतौर पे लोग कई बार नहीं लगाते, पर मैं इसलिए लगाती हूँ कि इसके ऊपर अच्छा से गोल्डन सा कलर आता है, जो मुझे बहुत पसंद आता है। ये आपके ऊपर है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा बटर इसके ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट और यमी हो जाएगा। और मैंने जो चीज़ यूज़ किया है वो बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अब ये मैंने जो जिधर की तरफ बटर लगाया था उसको मैंने नीचे की तरफ डाला, अब ऊपर की तरफ भी मैं बटर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है और इतना टेस्टी बनेगा, इतना यमी बनेगा कि मैं बता नहीं सकती। आपने व्हाइट सॉस के साथ सबने बनाया है, पर किसी ने मेयोनेज़ के साथ नहीं बनाया, ज़रूर बना के देखिएगा, एकदम लाजवाब बनता है ये पालक कॉर्न सैंडविच। आप इसको कोल्ड सैंडविच की तरह भी सर्व कर सकते हैं और हॉट भी। ये देखिए कितना सुपर्ब ग्रिल होके निकला है। और मैंने थोड़ा ज़ोर से दबा दिया था ताकि इसका जो लाइन्स है थोड़े से और अच्छे से आए, तो थोड़ा साइड से मेरा ब्रेड जो है वो थोड़ा दब गया है, पर नेवर माइंड, वो अच्छा ही लगता है। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारा ही ग्रिल कर लूँगी। अगर आपको थोड़ा सा ब्राउन चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, तो थोड़ी देर आप और रख सकते हैं।
हमें थोड़ा सॉफ्ट ही पसंद आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं किया है। ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, और ये काटने के बाद देखिए इसका फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा आया है, कितना टेस्टी और यमी और बिल्कुल रिच लग रहा है। टेस्ट में भी रिच है और देखने में भी बहुत रिच है। ये देखिए मैं सेकंड भी एक काट रही हूँ, क्योंकि मैंने सर्व सब ऐसे ही करना है, ट्रायंगलर काटना है। आप 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं, पर मुझे ट्रायंगलर शेप पसंद है। तो ये देखिए मेरा सब बन के तैयार है फ्रेंड्स, और कितना टेस्टी ये देखने में लग रहा है। बहुत इजी है, कोई है मुझे कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा मैंने कॉर्न और पालक को ब्लांच किया, दैट्स इट। और ये देखिए हमारा इतना अच्छा बन गया, और कोई नहीं बता सकता कि इसमें आपने व्हाइट सॉस नहीं डाला है। तो टेस्ट में भी लाजवाब है, और देखने में भी लाजवाब है, और कुकिंग भी बिल्कुल नहीं है। तो ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।